फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो इन आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्त? में देखा सब बहुत बढ़िया और मजे कर रहे होंगे। आपका मजा दुगना से तिगना करने आया हूं। साउथ हिंदी डब्ड मूवी लवर हो तो वीडियो को सबसे पहले एक लाइक कर देना है, क्योंकि दोस्तों आजकल लाइक नहीं कर रहे, वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। आपका एक लाइक से कुछ नहीं दरा जाता, लाइक तो कर देना, क्योंकि आज के इस वीडियो में भी आप सभी दोस्तों के लिए लेकर आया हूं टॉप 10 न्यू रिलीज्ड साउथ इंडियन हिंदी डब्ड मूवीज अवेलेबल ऑन यूट्यूब। बढ़िया बढ़िया रिसेंटली आजकल के अंदर ये फिल्में रिलीज हुई हैं। तो मैं आपको यही कहूंगा कि वीडियो दोस्तों पूरा देख लिया करो, फिर हमें कमेंट में बोलते रहते हो वीडियो पूरा देखोगे तो फिल्में आपको सारी मिल जाएंगी, कौन सी फिल्म बेस्ट होगी, कौन सी एवरेज होगी और कौन सी फिल्म के अंदर क्या देखने के लिए मिलेगा, जिससे डिसाइड आसानी से आप कर पाओगे कि सबसे पहले कौन सी मूवी को आप वॉच करते हो। ये सब वीडियो पूरा देखने के बाद ही आप कर पाओगे, इसलिए मैं वीडियो पूरा देखने का आपको हर वीडियो के अंदर भी बोलता हूं। टॉप 10 की लिस्ट होने वाली आज की इस लिस्ट में 208 फिल्में हिंदी में प्रोवाइड की जाएंगी। दो फिल्मों की आपको कंफर्म रिलीज डेट भी बताई जाने वाली है, वो भी बहुत बढ़िया फिल्में होने वाली हैं। तो इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो आज का हमारा ये होने वाला है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो फिर से बोल रहा हूं, लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को साउथ फिल्म न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि हर रोज जैसी वीडियो अपलोड होती रहती है। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा वक्त नहीं, काम डाउन इस तरफ आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 के ऊपर जो फिल्म आती है दोस्तों, उस फिल्म का नाम है मीटर। मीटर दोस्तों इसी साल की रिलीज 2023 की, वैसे आज खत्म होने वाला है, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी। एक्शन कॉमेडी बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा। कहानी है अर्जुन कल्याण नाम की, जो कि हाल ही में एक पुलिस ऑफिसर बना होता है और उसका पंगा हो जाता है होम मिनिस्टर के साथ। और आगे क्या होता है, होम मिनिस्टर उसके साथ क्या करता है, क्या क्या चीजें आगे देखने के लिए मिलती है, यह फिल्म के अंदर आपको वॉच करने के लिए मिलेगा। फिल्म की अगर हम स्टार कास्ट के ऊपर आए तो फिल्म में किरण अबावाराम, अथुलिया रवि, पवन और पुसानी कृष्णा मुरली भी देखने के लिए मिले हैं। फिल्म को IMDb की तरफ से एवरेज रेटिंग 3.8/10 की मिली हुई है। अगर आप मतलब अच्छी फिल्म देखना चाहते हो हिंदी डब्ड के अंदर, तो ये फिल्म एक मतलब आपके लिए वन टाइम वॉच फिल्म साबित हो सकती है। हिंदी में ये फिल्म आपको यूट्यूब के ऊपर भी देखने के लिए मिल जाएगी। नंबर 2 के ऊपर फिल्म जो है उसका नाम है पार्किंग। पार्किंग मूवी 2023 की, ये भी एक मिस्ट्री ड्रामा फिल्म है दोस्तों। इस फिल्म के अंदर कहानी एक पार्किंग के ऊपर घूमने वाली है, जो कि एक दो नेबर के बीच जो रिलेशनशिप होता है वो किस तरीके से एक पार्किंग की वजह से खराब होता है, आगे उनके रिलेशन में क्या क्या खराबियां आती हैं, किस तरीके से वो दुश्मन बनते हैं, ये चीज़ें आपको इस फिल्म के अंदर वॉच करने के लिए मिलेगा। जो काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइप की स्टोरी है। फिल्म की जो रेटिंग्स और रिव्यूज़ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। IMDb ने 8.8/10 की ब्लॉकबस्टर रेटिंग दी हुई है इस फिल्म को। और ये फिल्म जो है वो OTT के ऊपर पार्किंग नाम से अवेलेबल हो चुकी है। अगर आप इस मूवी को वॉच करना चाहते हो तो हिंदी ओरिजिनल में देख सकते हो। फिल्म की जो स्टार कास्ट है उनमें आपको हरीश कल्याण, इदू जी और MS भास्कर देखने के लिए मिल जाएंगे। नंबर 3 के ऊपर जो फिल्म है उस फिल्म का नाम है दोस्तों उड़ी पुरियोडे। उड़ी पुरियोडे एक दोस्तों स्कूल लाइफ रोमांटिक ड्रामा फिल्म होने वाली है। एक लव स्टोरी बेस्ड है, जो कि एक रियल लाइफ की ट्रू इवेंट्स के ऊपर इसकी स्टोरी घूमने वाली है। 1980s के दौर की इस फिल्म की कहानी होने वाली है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। फिल्म की अगर हम बात करते हैं स्टार कास्ट की, तो फिल्म में आपको अनु और उनके साथ सत्या कृष्णन और अजय घोष देखने के लिए मिल जाएंगे। IMDb की बात करें तो 6.5/10 की IMDb ने फिल्म को दोस्तों बहुत ही बढ़िया रेटिंग दी हुई है। फिल्म की कहानी अच्छी है, फिल्म के अंदर रोमांस स्टोरी जो देखने के लिए मिलेगी, नेक्स्ट लेवल देखने के लिए मिलेगी। हिंदी वर्जन इसका भी आपको YouTube के ऊपर ऑफिशियली देखने के लिए मिल जाएगा। 4 की बात करते हैं तो 4th नंबर के ऊपर फिल्म जो है उसका नाम है सासा ना सबा 2022 की एक एक्शन पॉलिटिकल ड्रामा थ्रिलर फिल्म है। इसके अंदर आपको जो टोटली देखने के लिए मिलेगी, चीफ मिनिस्टर के अराउंड घूमेगी इस फिल्म की कहानी, जो कि सासा ना सबा नाम का एक बंदा होता है और किस तरीके से वो चीफ मिनिस्टर के साथ या पॉलिटिकल रिवल्स के साथ उसके इश्यूज होते हैं, क्या क्या होता है, ये चीज़ें आपको फिल्म के अंदर इंटरेस्टिंग तौर पर वॉच करने के लिए मिलेगा। फिल्म की अगर हम बात करते हैं स्टार कास्ट की, तो फिल्म में आपको इंदिरा सिन्हा, ऐश्वर्या राज और राजेंद्र प्रसाद हेमा भी हैं। इसके अंदर एक आइटम सॉन्ग के तौर पर IMDb ने 7.8/10 की इस फिल्म को कमाल की रेटिंग दी हुई है। हिंदी वर्जन अब इसका ऑफिशियली तौर पर सिनकोन एंटरटेनमेंट के YouTube चैनल पर अवेलेबल हो चुका है, तो आप किसी भी टाइम देख सकते हो। नंबर 5 के ऊपर फिल्म जो है उसका नाम
है डेविल। डेविल 2023 की इसी साल की एक मिस्ट्री ड्रामा थ्रिलर फिल्म है। कहानी है एक सीक्रेट एजेंट की जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का होता है, और मज़े की कहानी तब आके बनती है जो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ जब बगावत लेता है और आगे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए कितना खतरनाक साबित होता है, क्या क्या होता है, ये आपको इस फिल्म के अंदर वॉच करने के लिए मिलेगा। फिल्म की अगर हम बात करते हैं स्टार कास्ट की, तो फिल्म में आपको दोस्तों कल्याण राम के साथ संयुक्ता मेनन और उनके साथ साथ एडवर्ड भी हैं, और भी बढ़िया स्टार कास्ट है फिल्म के अंदर। फिल्म को IMDb ने 8.8 आउट ऑफ 10 की ब्लॉकबस्टर रेटिंग दी है। हाल ही में इस फिल्म को दोस्तों रिलीज कराया गया है, और फिलहाल ये फिल्म दोस्तों आपको तेलुगु लैंग्वेज में सिनेमा में सबटाइटल के साथ देखने के लिए मिलेगी, लेकिन आपको कुछ दिनों तक ये OTT पर इसको हिंदी में भी एक साथ रिलीज करवाया जाने वाला है। नंबर 6 के ऊपर फिल्म जो है वो है आ अमाई ग्रीचू मीकू चेपाली। आ अमाई ग्रीचू मीकू चेपाली फिल्म 2022 की एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। फिल्म की जो कहानी है वो घूमने वाली है एक फिल्म मेकर के अराउंड जो कि उसका सेट होता है, और उसको एक प्रोजेक्ट के लिए फीमेल लीड के लिए खूबसूरत एक्ट्रेस की ज़रूरत होती है, तो उसकी मुलाकात एक खूबसूरत एक्ट्रेस से हो जाती है, बाद में उसको उससे प्यार हो जाता है। आगे स्टोरी क्या होती है, उसका प्यार जो है उसको मिलता है या फिर नहीं, आगे क्या क्या होता है, ये फिल्म के अंदर वॉच करने के लिए मिलेगा। इंटरेस्टिंग फिल्म की स्टोरी है। फिल्म में सुधीर बाबू कृति शेट्टी मेन लीड के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। IMDb ने 6.4 आउट ऑफ 10 की इस फिल्म को रेटिंग दी हुई है। हिंदी वर्जन जो है इसका आपको 200 यूट्यूब के ऊपर आप देखने के लिए भी मिल जाएगा। नंबर 7 के ऊपर जो फिल्म है उस फिल्म का नाम है मी। ये एक 200 फिल्म जो कि 2019 में रिलीज हुई थी, थ्रिल और क्राइम से भरी हुई थी। इसकी जो कहानी है वो एक यंग लड़की की मिसिंग के ऊपर होती है, मतलब मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है, और इसकी मतलब कहानी वो कैसे मिसिंग हुई है उसको ढूंढने में होती है, और क्या क्या इन्वेस्टिगेशन में समस्याएं आती हैं, ये चीज़ें आपको फिल्म के अंदर वॉच करने के लिए मिलेगा। फिल्म की अगर हम बात करते हैं स्टार कास्ट की, तो फिल्म में आपको दोस्तों निक्की सुंदरम, ऐश्वर्या राजेश और जॉर्ज मारियान भी देखने के लिए मिल जाएंगे इसके अंदर। इस फिल्म को IMDb ने 5.8 आउट ऑफ 10 की काफ़ी कमाल की रेटिंग दी हुई है। हिंदी वर्जन इसका जो है वो मी नाम से YouTube पर भी अवेलेबल है। 8 नंबर 8 के ऊपर फिल्म जो है उसका नाम है सुपाली मानी। पालीमानी ये जो फिल्म है ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है 2023 की। कहानी है एक हस्बैंड की जो कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है और वो 2 किड्स को मतलब बॉर्न करती है, तो आगे उनके किड्स और बाद में क्या क्या होता है, वो किस तरीके से उनकी मुश्किलें आती हैं उनकी लाइफ में एक नाइट मिडल नाइट के अंदर, ये चीज़ें आपको फिल्म के अंदर वॉच करने के लिए मिलेगी। फिल्म की कहानी हॉरर के ऊपर थोड़ी बहुत बेस्ड है। फिल्म की अगर हम बात करते हैं स्टार कास्ट की, तो फिल्म की स्टार कास्ट है हरी कृष्णन, श्वेता मेनन और नित्या दास देखने के लिए मिलेंगे। IMDb ने 7.9 आउट ऑफ 10 की काफी कमाल की रेटिंग मूवी को दी हुई है। इसका हिंदी वर्जन पाली मानी नाम से YouTube पर ऑफिशियली अवेलेबल है, तो किसी भी टाइम वॉच कर सकते हो। 9 के ऊपर फिल्म है कैप्टन मिलर, जो कि दोस्तों 2024 की एक अपकमिंग पैन इंडिया फिल्म होने वाली है, जिसके अंदर एक्शन, एडवेंचर, वार, ड्रामा, मार धाड़, मतलब नेक्स्ट लेवल देखने के लिए मिलेगा। फिल्म की जो कहानी होने वाली है वो टोटली बेस्ड होने वाली है 1940s के दौर की, और उसके अंदर एक मिलर नाम का होता है कैप्टन, और वो किस तरीके से तबाही मचाता है, ये चीज़ें आपको फिल्म के अंदर वॉच करने के लिए मिलेगा। फिल्म अभी अपकमिंग है, फाइनल कहानी तो रिवील नहीं की गई, अभी इसका ट्रेलर भी नहीं आया, खाली टीजर आया है। फिल्म की अगर हम बात करते हैं स्टार कास्ट की, तो फिल्म में धनुष, प्रियंका मोहन, शिवा राजकुमार, विनायकन और इसके अंदर संदीप किशन भी देखने के लिए मिलेंगे, एडवर्ड भी हैं, बढ़िया बढ़िया स्टार कास्ट देखने के लिए मिल जाएगी इसके अंदर। फिल्म के अगर हम राइटर और डायरेक्टर की बात करें, तो अरुण मेथुवारन इसको डायरेक्ट और लिख चुके हैं फिल्म की कहानी को, और फिल्म में धनुष का जो रोल होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। और मज़े की बात यह है, इस फिल्म की जो हिंदी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है वो गोल्ड माइंस है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म को हिंदी में थिएटिकली तौर पर गोल्ड माइंस रिलीज़ करवाने वाली है, और ये फिल्म दोस्तों पोंगल के मौके के ऊपर रिलीज़ होने वाली है हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, सभी भाषाओं के अंदर। दोस्तों 10 की बात करते हैं, तो 10 के ऊपर फिल्म है ईगल, या फिर हम कहें साहदव। ये जो फिल्म है ईगल 2024 की, ये भी एक अपकमिंग पैन इंडिया एक्शन ड्रामा थ्रिलर फिल्म होने वाली है। जैसों थ्रिल एक्शन ड्रामा जो है वो आपको काफ़ी कमाल का और काफ़ी नेक्स्ट लेवल देखने के लिए मिलने वाला है। अगर हम फिल्म की बात करते हैं स्टार कास्ट की, तो फिल्म की जो मेन लीड स्टार कास्ट है वो है मास महाराजा, रवि तेजा, काव्या थापड़, अनुपमा परमेश्वरन, नवदीप, और भी बढ़िया बढ़िया स्टार कास्ट है फिल्म के अंदर। फिल्म की अगर हम बात करते हैं दोस्तों इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर की, तो कार्तिक गौतम ने
कंपनी ने इसको लिखा और डायरेक्ट किया है। और मजे की बात यह है, इसका हिंदी ट्रेलर भी आ चुका है। तो ये फिल्म दोस्तों आपको 13 जनवरी से हिंदी में भी एक साथ सिनेमाघरों के अंदर देखने के लिए मिलने वाली है, जो कि बहुत मजे की बात है। और रवि तेजा की मतलब अच्छे तरीके से प्रमोशन करवाएंगे तो ये फिल्म बहुत अच्छी चलेगी। जिस तरीके से इसके अंदर एक्शन या जिस तरीके से रवि तेजा का खतरनाक अवतार दिखाया गया है, वो तो भाई बवाल है, टोटली नेक्स्ट लेवल है। और ये फिल्म दोस्तों 12 जनवरी से 13 जनवरी से देखने के लिए मिलेगी हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ सभी भाषाओं के अंदर, वो भी सिनेमाघरों के अंदर। तो आज का हमारा जो छोटा सा वीडियो यहीं पर खत्म करें, वीडियो लगा हो आपको जरा भी अच्छा तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, और इन सारी की सारी फिल्मों में से आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है वो कमेंट में बताना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।